रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस की। मुंबई पुलिस आज करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल हम आपको चेहरे भी दिखा रहे हैं, महेश भट्ट से पूछताछ हुई है, 2 घंटे लंबी ये पूछताछ चली। हालांकि करण जौहर से भी पूछताछ मुमकिन है, क्योंकि खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और आज पूछताछ होगी सीईओ धर्मा प्रोडक्शंस अपूर्व मेहता से। कंगना रनौत इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि आखिर धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से पूछताछ हो रही है, लेकिन करण जौहर को पूछताछ में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन कल का दिन जब महेश भट्ट से पूछताछ हुई तो तस्वीर भी आपको वो हम दिखा रहे हैं। 2 घंटे लंबी ये पूछताछ चली और सड़क 2 फिल्म जो महेश भट्ट बना रहे थे उसको लेकर सवाल पूछा गया कि क्या ये फिल्म आपने सुशांत को ऑफर की थी। इस बात से उन्होंने इनकार किया और कहा कि सिर्फ 2 बार वो सुशांत से मिले हैं। नीरज जी, कंगना रनौत ने मांग की है कि जिस तरीके से बड़े बड़े फिल्मी जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में करण जौहर की पूछताछ क्यों नहीं कर रही मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने केवल करण जौहर के कंपनी के सीईओ को बुला के पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार पूछताछ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इनसे पूछताछ हो रहा है, उनसे पूछताछ हो रहा है। जब कहीं ना कहीं से उंगली उठ रहा है जिन पे, तो उनसे ज़रूर पूछताछ करना चाहिए। और जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इनसे पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, तो जिनका भी नाम आ रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर सीईओ से पूछते हैं तो उनको उनसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए या उनको डायरेक्ट बुला लेना चाहिए। वैसे इस पूछताछ में हो क्या रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूछताछ से निकल क्या रहा। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या पूछताछ रियल में कर रहे हैं, जो पूछताछ का क्या तरीका है? मुंबई पुलिस की जांच पर आपको भरोसा है, क्योंकि कंगना रनौत ने इशारा किया है कि कुछ ऐसे उनको भरोसा नहीं है, वो बता रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फर्स्ट टाइम छोड़े हुए, ठीक है कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, हम लोग किसी पर उंगली नहीं उठा रहे थे और मुंबई पुलिस पर अभी भी उंगली नहीं उठा रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुंबई पुलिस से सब कुछ निकाल कर दे दे। तो आप नीरज कुमार को सुन रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत की कजिन है नीरज, और इन्वेस्टिगेशन को लेकर उन्होंने बताया कि परिवार इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। लेकिन इस बीच बॉलीवुड में गैंगबाजी के आरोप, नेपोटिज्म के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बॉलीवुड में गैंग की बात करने वालों में मशहूर एक्टर शेखर सुमन भी हैं। आज तक ने इस मामले पर शेखर सुमन से बात की। हमारा पहला सवाल था कि क्या कभी उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सामना किया, और बहुत जोरों से सामना किया है, वरना मुझे पड़ोस के कुत्ते ने काटा था कि मैं फिल्में छोड़कर टेलीविजन करने लगता, जबकि टेलीविजन पे काम करना उस वक्त छोटा समझा जाता था, हकारत की दृष्टि से देखा जाता था। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह गया था, क्योंकि बड़ी फिल्में मुझसे छीनी जा रही थी और बड़ी बड़ी फिल्मों से मुझे निकाला गया था। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे यहाँ रोक रहे हो तो मैं टेलीविजन कर लेता हूँ, और बहुत मनमार के किया था। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा था कि मुझे कुछ करके दिखाना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे टेलीविजन के जरिए बड़ा बना दिया, और टेलीविजन का शुक्र है कि उसने मुझे बड़ा बना दिया, वरना इनकी तो पूरी कोशिश ये थी कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मैंने फेस किया है, मेरे बेटे अध्ययन ने फेस किया है। उसकी जब शुरुआती दौर में फिल्म बनी राज, जो बहुत बड़ी हिट थी, और उसको 12-14 फिल्में मिली, अचानक जब वो बड़ा हुआ और उसका नाम जो है बड़े सितारों में आना अभी शुरू ही हुआ था, तो सारी फिल्में उससे छीन ली गई, उसे दबा दिया गया, उसे दरकिनार कर दिया गया। ये तो सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप स्टार किड हैं तो आपके साथ नहीं होगा, आपको उस जमात का हिस्सा बनना, गुट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और सिर्फ शेखर सुमन ही नहीं, ऐसे कई और एक्टर्स हैं जिन्होंने ये सवाल बॉलीवुड के काम करने के तरीके पर और वहां चलने वाली गैंगबाजी को लेकर उठाया है। लेकिन देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस अब इस मामले को आगे किस तरह से बढ़ाती है, कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। बात अब लेकिन कोरोना की, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे हर दिन 5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो तेजी अब हमें हिंदुस्तान के आंकड़ों में दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि टेस्ट जो है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब संक्रमण के केसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान में टोटल नंबर ऑफ केसेस 15 लाख को छूने वाले हैं, जो इस वक्त आप तस्वीर भी यहां पर देख रहे हैं। 33,425 लोगों की अब तक मौत हुई है, और भारत इस वक्त अगर वर्ल्ड टैली देखें, पूरे दुनिया के आंकड़ों को देखें, तो तीसरे नंबर पर है, यानी अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आंकड़ों के लिहाज से भारत है। बीते 24 घंटे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संक्रमित लोगों का नंबर 47,703 है, 654 लोगों की मौत हुई है, तो इसी बीच 35,175 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
तो ये बीते 24 घंटे के आंकड़े हमने आपको दिखाए, लेकिन जिस तेजी से आंकड़े बढ़े हैं उसको लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टेस्टिंग भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।